माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। दरोनेनाथ आज की हमारी महफिल पाक में तशरीफ लाए, आज की इस महफिल पाक के मेहमान सनाहान सैयद जलाल हुसैन शाह साहब, मैं अमीन अंसारी साहब की तरफ से और मैं सुरादाम की तरफ से आपको सलीम कल्ब से खुश आमदेद कहता हूँ। उन्हीं के साथ आज की हमारी महफिल पाक के खतीब आले नबी फाजिल जलील सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान बशीर नक्शबंदी साहिब जेलम से आप तशरीफ लाए, मैं इंतजामिया की तरफ से सलीम कल्ब से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और आज की इस महफिल पाक की जान, आज की इस महफिल पाक की शान ज़ीनत मसनद सदारत परवरदाए आगोश विलायत फख्र सादात पीर सैयद सातू मुहियुद्दीन साहिब आस्ताना अलिया बटाला शरीफ आप तशरीफ लाए, मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर उन्हें वसूफ के साथ कहता हूँ। ये अमीन अंसारी साहब की खुशनसीबी है कि अगर ये अपने पीर साहब को याद करते हैं तो हजरत करम फरमाते हैं, हर साल तशरीफ लाते हैं, ये बड़ी करम नवाजी है। देखें अगर मुरीद अपने पीरे कामिल से शहे कामिल से इतनी अकीदत रखता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो ये उनकी बंदा नवाजी है कि वो सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह शाह साहब तशरीफ फरमा है, मैं माइक हवाले करने जा रहा हूँ सैयद जलाल हुसैन शाह साहब को, बस चंद अशार के साथ। मुझसे कबल आप शाह साहब को समाप्त फरमा रहे थे कि मोहम्मद हमारे नहीं, मोहम्मद हमारे, मैं उसको आला हजरत के लहजे में पढ़कर माइक शाह साहब के हवाले कर रहा हूँ। सबसे औला हो आला, बड़ा आसान कला में, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, हम जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक अल्लाह के हर नबी को मानते हैं, लेकिन सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा रूहुल्लाह तक अल्लाह का हर नबी बड़ी शान वाला, लेकिन सबसे औला हो आला, गज गया तो सबसे औला हो आला। अल्लाह ने मखलूक में दर्जा बंदी रखी है, आम इंसानों में से मुसलमान अफसर, मुसलमानों में से औलिया अफसर, औलिया में से सिहाबा अफसर, सिहाबा में से अंबिया अफसर, अंबिया में से रसूल अफसर, रसूलों में से उलुल अज़्म पैगंबर अफसर। अब कोई हाथ नीचे न रहे, उलुल अज़्म अंबिया है, मकाम की जहां पर जाते इंतहा होती है, वहां से मिले और तेरे नबी के मकाम की इंतहा होती है। आज के आपको सबसे गौला हो आला, सबसे वाला हो आला, कौन देखता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा बिना तकीन, दावते नाथ के शुक्र रहा हूं। आज की इस महफिल पाक के मेहमान सनाहान सैयद जलाल हुसैन शाह साहब बारगाह रिसालत इकरार में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। आप एक बार नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, बबे हाथ चुके, नारा इरसाल, नारा तो इसलिए मैं हाजिर हूँ
اللہ شاہ جی کی مہربانی ہے میرے پہ, ہر وقت شفقت فرماتے ہیں, دعا وہ رہتے ہیں میرے لیے. میں آپ کے بارگاہ میں دربار شریف میں حاضر ہوتا رہتا ہوں, وہاں بھی حاضری ہوتی ہے میری. میری خوش نصیبی ہے دوران آپ کے زیر سایہ آج بھی پڑھ رہا ہوں. عثمان مشیر صاحب آپ سب خراب شیر عثمان مجھ سے جتنی ہو سکی حاضری یا کچھ سے پہلے بھی کرے نا آپ نے دیا یا کہا پانچ منٹ دس منٹ دو منٹ کے بعد یہ کر دیں گے تو ان شاء اللہ میں بند کر دوں گا. جب بھی آپ نے ایک ناشر کا شعر پیش کرتا ہوں اس کے بعد ناشر السلام علیکم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ سلام اللہ اکبر نعرہ
आशिक पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक और पंजाबी कवि को भी तो उतने शायद फिर बुजुर्गों से बात कि मन कमत है तो पेश करता था। आप बहुत समझते हैं
बहुत ज्यादा आप समय देने सुरन लैन और दूसरा जी आप महफल होती मस्जिद में बैठे हैं वो बड़ी मखसूस और बड़ी प्यारी महफल होती भी सब लोग ही असली इतने सुर भी चल होते लेकिन सुर जरा लाना करना भी आप कमी पेशी करना चाहिए जरा लाना वो भी इस वास्ते लाने की कोशिश करी कि आप सन भी फरमा लो आप दूसरा सिरते रहना तो जिस दिन मापे सिरते मतलब बंदा ज्यादा तगड़ा हो जाए किसे वर नहीं तकते यार का चेहरा
جس کا قانون کیا ہو لکیر اور پوچھتے کیا ہو میں کس کا نام دا گل پٹا رکھتے ہیں بولا میلا پٹا توجہ پٹا دیکھ گل تیرے نام والا یا میرا پڑھ تو میں بغیر آپ کے فرمان
شیرا شرف دارت کہ درگاہ جیلانی